चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जा रही हूँ मार्केट और मेरे साथ जा रही है मम्मी। हाय कर दो। और मम्मी और मैं बहुत टाइम बाद मार्केट जा रहे हैं साथ में। आई थिंक 8-9 महीने हो चुके हैं हम लोग अब तक साथ मार्केट नहीं गए हैं। तो अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, पार्लर जाएंगे और फिर वहाँ जाके आपको बताएंगे कि हमने क्या लिया। तो यहाँ मेरा हेयर वॉश हो गया है और अब मैं फ्लो ड्राई करवा रही हूँ। करते सो गई, उन्हें पता ही नहीं कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, बाद में पता चलेगा। एंड इट्स डन। और यहाँ मैं सलोन से निकल के मार्केट की तरफ जा रही हूँ। तो अभी मैं पार्लर से फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और ये रही मम्मी। मम्मी बहुत थक चुकी है मेरा वेट करते करते वहाँ पे। थक तो गई थी, आप सो गई थी, मैं पर है आपकी वीडियो क्लिप सोने वाली। ये मम्मी आगे आगे चल रही हैं, हम उनका पीछे पीछे फॉलो कर रही हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ कौन सी शॉप? तो ये जिस शॉप में मैं आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी मैं मम्मी के साथ, तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी बेसिक टी शर्ट्स एंड शर्ट्स थी लड़कों के लिए। मुझे कलेक्शन अच्छा लगा, ऑफिस वेयर के लिए भी और कैजुअल वेयर के लिए भी, दोनों के लिए सही था। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। यहाँ पे मम्मी शॉपिंग कर रही हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। आप ही बोल लो ना, आप ही काफ़ी हो, कुछ पसंद नहीं आ रहा ना आपको? इनको उसमें ही पसंद नहीं आएगा। वैसे येलो वाला ठीक लग रहा है। येलो भी दिखा दो। उसको वीडियो कॉल कर लो। नहीं ये अच्छे लग रहे हैं। अब क्यों हटा लिया मास्क? अब तो बन गई वीडियो। इनके यहाँ टी शर्ट अच्छी हैं। मुझे पुरानी वाली भी अच्छी लगी थी बट उसको नहीं आई पसंद। आप सब भी देख लो एक बार, मैंने फिर से छोटी सी वीडियो बनाई है, पूरे शोरूम को कवर करने की कोशिश की है। और इनका ऊपर भी एक फ्लोर था जहाँ पे इनके बॉटम वेयर्स लाइक जीन्स पैंट्स थी। दिस वॉज द शॉप जहाँ हम गए थे। ये नीचे का फ्लोर है और ये ऊपर का फ्लोर है। तो घर नहीं जाना? नहीं, मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, दिल करता है यहीं सो जाऊं। उसके बाद हम लोगों ने मेन मार्केट में एंटर कर लिया है और यहाँ दिख गई मुझे ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो इसमें से मुझे कुछ कुछ ज्वेलरीज पसंद आई थी। सबसे पहला मुझे ये अच्छा लगा था, सबसे पहले
ये इन्होंने मुझे पेयर बना के दिखाया था भैया ने, पहले दो का फिर यहाँ तीन का, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तीनों का सेट, आप बताना आपको कैसा लगा। उसके बाद मुझे ये भी बहुत पसंद आया था, आप लोग बताओ ये कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल ही, ये एक ही पेयर था बट ऐसा लग रहा है कि तीन है अलग अलग, बट ये ऑल इन वन था। फिर मैंने ये वाला भी ट्राई किया, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, तो लास्ट में मैंने इन दोनों को ही फाइनलाइज़ किया। कुछ प्राइस उन्होंने हमें अपना बोला, कुछ प्राइस हमने अपना बोला, और लास्ट में भैया मान गए देने के लिए। तो अब आप लोग गेस करो कि हमने कितने में लिया होगा। तो जब हम लोग दूसरे शॉप में जा रहे थे तो वहीं पे ये रास्ते में एक गली थी जिसमें मुझे सारी शॉप्स दिखी, बैंगल्स की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बिंदीज भी थी, काफ़ी चीज़ें थी। और ये है गुरु नानक स्टोर, तो यहाँ आए थे हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने, मुझे इन्हीं के ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो मैं तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी यहीं से ही लेना, बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, इनको हर जगह टेस्ट करना होता है, बस पहले खा लूँ। कज़न के घर, वो यहीं है मार्केट के पास, तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, उन सबसे मिलने के बाद हम लोग घर जाएंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उन लोगों के साथ। आज मम्मी आई है तो मम्मी चाहती हैं कि मिल लें सबसे। जान लिया है? जान लिया कौन? एक क्लिप दे दो, मेरी क्लिप नहीं मिल रही थी, अब इन्होंने ढूंढी है। आज हम लोग ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो राइड लिया हमने। वैसे मैं प्रेफर करती दिन में कैब में जाऊं, पर शाम में तो ऑटो भी चलेगा। मेरी फेवरेट है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना, कितनी महंगी ले लो बट आपको वही अपनी पुरानी चीज़ चाहिए होती है, तो उनमें से ये एक है मेरी। जाते हुए मिला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एज यूजुअल। ब्लॉग थोड़ा छोटा था बट मैंने सोचा कि जब मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो क्यों ना ये भी चीज़ शेयर करूँ। मैंने कोशिश की मार्केट में कि मैं सब चीज़ें कवर करूँ बट मोस्टली कुछ चीज़ें कवर नहीं भी हो पाई। आपको पता ही है कि मार्केट जाते हैं तो हर चीज़ हम नहीं शूट कर पाते हैं। दूसरी चीज़, हाँ मैं जब घर पे गई तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, जस्ट बिकॉज हर किसी की प्राइवेसी होती है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है व्लॉग में आने के लिए, तो मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया किसी को। बट धीरे धीरे वो भी, उन लोगों को भी आदत हो जाएगी, हर कोई व्लॉग में आ जाएगा, जब आएगा तो आप सबसे मिलवाऊंगी ही। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दो गाइज, कुछ नहीं जाएगा, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आपने मुझे इंस्टा पे सपोर्ट किया है इतना,
वैसे ही मुझे YouTube पे भी सपोर्ट करो. आई नीड योर लव एंड सपोर्ट. प्लीज प्लीज प्लीज. थैंक यू. लव यू.